Hello friends, welcome back and a very very good morning to all of you. In this video we will discuss important current affairs of 21st of July 2022. The first question is International Chess Day is observed every year on International Chess Day ko har The options are July 20, July 21, July 23, July 24.

चतुरंगा चतुरंगा था तब इसका नाम क्वेश्चन नंबर टू हु द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द मैंस लॉन्ग जम्प फाइनल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियन कौन पहला इंडियन बना है जिसने वर्ल्ड एथलेटिक्स जो वर्ल्ड वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियन चैम्पियनशिप के मेंस लॉन्ग जंप फाइनल में पहुंचा है कौन पहला आदमी ये बना है ऑप्शन चार मुराली श्री शंकर विजय कुमार प्रभात सिंह अजय कुमार एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन मुरली श्री शंकर और अंजी बॉबी जॉर्ज वाज़ द फर्स्ट इंडियन टू मेक इट टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग जब फाइनल एंड द फर्स्ट टू वि ब्रॉन्स मेडल इन द टू थाउजेंड थ्री एडिशन इन पेरिस और अंजी बॉबी जोर जो कि वुमेन है ये पहली ओवरऑल पहली इंडियन थी जो इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लॉन्ग जब के फाइनल में पहुंची थी फीमेल्स में भी फर्स्ट और ओवरऑल इंडियन में भी ये फर्स्ट है और मेंस की कैटेगरी में अब हुए हैं मुराली श्री शंकर बने हैं पहले इंडियन मैन जो फाइनल में पहुँचे हैं और ओवरऑल अगर पूछा जाए तो वो है अंजी बॉबी जॉर्ज और फीमेल में भी यही हैं और ये पहले इंडियन भी हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इस चैम्पियनशिप में टू थाउजेंड थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन स्कीट एट आई एस एस एफ वर्ल्ड कप हेल्ड साउथ कोरिया कौन पहला इंडियन बना है जिसने गोल्ड मेडल जीता है मैन स्कीट में आई एस एफ आई एस एस एफ वर्ल्ड कप जो साउथ कोरिया में हेल्ड हुआ था आई एस एस एफ मतलब इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑप्शन है मेराज अहमद खान विजय कुमार डार अजय कुमार राइट आंसर इज़ मेराज अहमद खान ये फर्स्ट इंडियन बने हैं जिसने गोल्ड मेडल जीता है स्कीट में आई एस एस एफ वर्ल्ड कप के स्कीट इवेंट में और ये यूपी से बिलोंग करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर भूपेंद्र सिंह पास अवे एट द एज ऑफ एटी टू ही वॉज भूपेंद्र सिंह की एटी टू ईयर्स की एज में डेथ हुई है वो कौन थे मतलब वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे तो ऑप्शन आर फुटबॉलर क्रिकेटर सिंगर एक्टर द राइट आंसर इज सिंगर क्वेश्चन नंबर फाइव विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द भारत रंग महोत्सव ट्वेंटी भारत रंग महोत्सव ट्वेंटी जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज़ किया गया था इसको किस इंस्टीट्यूशन ने आर्गनाइज किया था ऑप्शन हैं नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा साहित्य नाटक अकेडमी ललित कला अकेडमी बी सी सी आई राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर वन नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा क्वेश्चन नंबर सिक्स जम्मू एंड कश्मीर यूटी एल जी मनोज सिन्हा अनाउंसिस हाउ मच परसेंट ऑफ़ रिज़र्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन जे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जे एंड के यूटी के जो एलो एल जी हैं मनोज सिन्हा इन्होंने कितनी परसेंट रिजर्वेशन अनाउंस की है अग्निवीर्स के लिए जे के पुलिस में अग्निवीर्स वो जो रिसेंटली इंडियन आर्मी में वो निकाली है पोस्ट गवर्नमेंट में जो फाइव फोर ईयर्स के बाद उनकी रिटायरमेंट होगी तो ये उनकी ही बात हो रही है तो जे एंड के एल जी ने कितने परसेंट उनके लिए रिजर्वेशन रखी है जे के पी में जम्मू कश्मीर पुलिस में ऑप्शन है फाइव परसेंट टेन परसेंट फिफ्टीन परसेंट ट्वेंटी परसेंट एंड राइट आंसर इज़ टेन परसेंट जो टेन जो 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 भी अग्निवीर होगा रिटायर आएगा तो जे के पी में जब उसने अप्लाई करना होगा तो जो टेन परसेंट पोस्ट होंगी जे के पी की वो रिज़र्व होगी अग्निवीर के लिए क्वेश्चन नंबर सेवन विच कंट्री रिपोर्ट्स फर्स्ट केस ऑफ डेडली मारबर्ग वायरस किस कंट्री ने किस कंट्री में पहला केस निकला है मारबर्ग वायरस का डेडली मारबर्ग वायरस का ऑप्शन है नाइजीरिया घाना इथोपिया इंडिया राइट आंसर इज घाना और ये वायरस जिस तरह इबोला वायरस था अफ्रीका कंटीनेंट में उसी तरह ये भी है और अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं निकाली गई है क्वेश्चन नंबर हु हैज श्रीलंकन प्रेजिडेंशियल ट्वेंटी ट्वेंटी टू किसने श्रीलंकन प्रेजिडेंशियल ट्वेंटी 2022 को जीता है आर महिंदा राजा पक्ष गोताबा राजा पक्ष रनिल विक्रम सिंह सनद जया सूर्य राइट आंसर इज रनिल विक्रम सिंह और ये एक्टिंग yeah, प्रेसिडेंट भी थे कुछ टाइम पहले ये पीएम थे श्रीलंका के इसी साल उन्हें रिज़ाइन दिया था उसके बाद जो ये गोताबा राजा थे प्रेसिडेंट वो उन पे जो प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्टर ने अटैक किया था उसके बाद वो चले गए श्रीलंका से भाग गए थे तो उसके बाद रनिल विक्रमा सिंह को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया था तो आज अब इन्होंने ये इलेक्शन भी जीत लिया और ये सिक्स टाइम श्रीलंका के पीएम भी रह चुके हैं तो ये थे हमारे ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होप ये रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने फ्रेंड्स और नियर एंड डयर्स के साथ भी शेयर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अ नाइस डे